दोस्तों मां आया मोहित शेवाणी तां मूंखे ॾाढो प्यार ॾिनो मुंहिंजी पूरी कोशिश आहे की हर दफ़े मां कुछ न खणी अचां तव्हांजे लाइ देश विदेश घुमी रहियो आहियां मसालो खोले रहियो आहियां ऐं मसालो हींअर मिली वियो आहे अची विया हिन सफ़र में भोपाल शूटिंग भोपाल में थी रही आहे असां चऊं था जय झूलेलाल ऐं असां सां गॾु आहे सुनील पाल सर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जय झूलेलाल मां सुनील पाल बचपन में कोई खेल खेलने तो मौका नहीं मिला गरीबी की वजह से ना फुल फुटबॉल मिला ना बैट मिला तो शब्दों से ही खेलता रहा ये सुनील पाल जी सिंधियों से कितना लगाव है सदार वे सिंधवाजी झोली माड़ू वणंजी मिठड़ी बोल गली गली जे घर घर झूमे सिंध अमन जा नारा 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 जिए सिंध जिए सिंध वारा जिए सिंध अजरक टोपी वाला जिए सिंध जिए सिंध वारा जिए सिंध अजरक टोपी वाला जिए जय झूलेलाल वो सब तो ठीक है याद करने में घणो टाइम लगो हां घणो टाइम घूमने लगे हो क्या है कि सिंधी जो है मुंह बताऊं आपको कि सिंधी दिल से याद करो तो जल्दी याद रहती सिंधी इज लाइक हिंदी सिंधी इज लाइक हिंदी एंड सिंधी इज लाइक हिंदी और हिंदी इज लाइक बिंदी हमारे हिंदुस्तान की माथे की बिंदी अरे वेरी नाइस सुनील पाल 2005 लाफ्टर किंग बड़ा ब्रांड सफर कैसे शुरू हुआ मस्ती की बातें भी करेंगे पर आपकी जो सक्सेस जर्नी है वो हमारी कम्युनिटी तक और सब तक पहुंचनी चाहिए हम भाषा का पूरा उपयोग करेंगे हिंदी सिंधी और इंग्लिश हमारा सफर जो है इंग्लिश के सफर के साथ शुरू हुआ इंग्लिश के सफर के साथ शुरू हुआ सफर सफर बहुत सफर किया लेकिन कह सकते हैं ना कि हालात जो है वो परमात्मा ठीक कर देते हैं गरीबी में जन्म हुआ 1975 में पैदा हुआ उस साल में दो चीजें रिलीज हुई थी फिल्म शोले और सुनील पाल दोनों हिट हुई है और सेकंड मई मतलब लोग तो पैदा होने में 9 महीने लगाते मैं सेकंड में पैदा हुआ था सेकंड में मई बर्थडे है सुनील पाल जी का सेकंड में मई की पैदाइश 5 मई अच्छा तभी इतना मैं कर रहा है अंतरिक्ष के शाहरुख खान है मैं लेकिन अच्छा लगता है मोहित तुम एक बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन हो काबिल एंकर हो साथ साथ में गुड लुकिंग ऐसा गुड लुकिंग एंकर और स्टैंड अप कॉमेडियन अभी तक मार्केट में आया नहीं स्पेशली स्टैंड अप कॉमेडियन इतना गुड लुकिंग कोई नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि स्टैंड अप कॉमेडी के अच्छे दिन आने वाले आ गए तो बड़ा अच्छा लगता है सिंधी समाज और सिंधी परिवार पूरी दुनिया में छाए हुए हैं मेहनती लोग होते हैं मुझे समझ लगता है सिंधी आदमी दुनिया में कहीं भी जाए 6 महीने में सेट हो जाता है और 1 साल में अपनी मेहनत से वहां का सेट हो जाता है 6 महीने में सेट हो जाता है और 1 साल में वहां का सेट हो जाता है शब्दों के जादू करो तो है आप जो शब्दों के साथ खेलते हो ये सिंधी लोगों का मुझे लगता है कि दुनिया के हर चीजों पर अपना प्रभुत्व है मतलब आनी जानी कानी मनवानी मलानी मुझे तक दाना पानी भी नहीं गया मतलब जहाँ आनी हो गया मतलब आनी जानी जो दुनिया है वो सिंधी की वजह से दुनिया आनी जानी है क्योंकि सिंधी के कसर में आनी जानी है अभी आप मोदी जी की आवाज बड़ी शानदार निकाल रहे हैं मैंने कल एक कार्यक्रम में आपको लाइव सुना तो मोदी जी अगर सिंधी समाज को कोई मैसेज देंगे तो कैसे देंगे मोदी जी जब भी बात करते लगते हैं हवाई जहाज में बैठे कैसे मित्रा मेरे सिंधी भाइयों मैं सिंधियों की बहुत इज्जत करता हूँ अगर सिंधी नहीं होते तो आज मोदी नहीं होता क्योंकि सिंधी हमारे भारतीय जनता पार्टी के आडवाणी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी और भारतीय जनता पार्टी बनाई भारतीय जनता पार्टी नहीं हो तो मोदी कहाँ से होता मित्रों तो आई लव माई सिंधी समाज और सिंधी जब भी मुझे बुलाते हैं मैं आ जाता मित्रों अगली बार आऊंगा और आपको अपनी तरह से एक पार्टी दूंगा चाहिए क्या पार्टी चाहिए मैं आप सबको पूरे सिंधी समाज को पूरे हिंदी समाज को अगली बार मेरी तरह से एक पार्टी दूंगा कौन सी भारतीय जनता पार्टी रतन नूरा हमारा नाम है रतन नूरा और सिंधी समाज के बिना हम हूँ अधूरा मोहित ने कल प्रोग्राम किया पूरा और 2-4 विजिट में कुछ नहीं दिया सिर्फ दिया धतूरा आशीर्वाद दिया तो सिंधी समाज तो पता ना बच्चे को दो ही बातें सिखाता है पहली बात प्यार से व्यापार करना वाह और दूसरी बात व्यापार से ही प्यार करना क्या बात है प्यार से व्यापार करना और व्यापार से ही प्यार करना बिल्कुल सही और प्यार का प्यार और व्यापार देखिए व्यापार में ही प्यार छुपा है अगर आप प्यार से व्यापार करोगे
उससे बड़ा प्यार कोई नहीं। प्यार मैं समझता हूँ कि व्यापार जो है वही कर सकता है इसके अंदर प्यार। क्या बात, नफरत से नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी व्यापार नफरत से नहीं हो सकता। आप गुस्से से नहीं कर सकते, गुस्सा करके नहीं कर सकते, ईगो दिखाकर नहीं कर सकते। उसके अंदर शालीनता होनी चाहिए, उसके अंदर नम्रता होनी चाहिए, उसके अंदर प्यार होना चाहिए, तभी वो व्यापार कर सकते। हम लोग नए साल की ओर चल रहे हैं, आज हम मिड नवंबर में ये वीडियो शूट कर रहे हैं और अब इसके बाद नया साल लगने वाला है। कुछ कलाकारों के नाम लूंगा, वो नए साल की अगर बधाई सिंधी समाज को देंगे तो कैसे देंगे? नाना पाटे अगर सिंधी समाज को बधाई देंगे तो कैसे देंगे नए साल की? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मैं हूँ नाना और सिंधी लोग है आनी जानी नानी। बट आई लाइक नानी, मेरी बीवी का नाम है नानी। अच्छा है, ये नाना सिंधी समाज का बच्चा है। इरफान खान, ये सिंधी समाज है, मतलब समझ जाओ कि मेरी फिल्में बहुत पसंद करता है। यही वजह कि मैं बॉलीवुड से हॉलीवुड जा चुका हूँ, क्योंकि बाहर भी बहुत सारे सिंधी लोग हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माँ का, बाप का, भाई का, सबका ख्याल रखता है सिंधी। माँ का समय 15 मिनट तक तारीफ कर सकता हूँ, जब तक तारीफ करूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा ना सिंधी। जले लाल सीक्रेट के ना कभी कभी लगता है कि भगवान सिंधी है। अरे बाबा, छोटे छोटे बच्चे हैं सिंधी समाज के, बड़े होके बड़े बड़े व्यापारी बनेंगे, बेचेंगे नारियल पानी, क्यों मुलचंदानी। मुझे लगता है ये पूरा इंटरव्यू जरूर हिंदी भाषा में हुआ, पर सिंधी समाज की प्रशंसा में ये पूरे पल निकले हैं। बातचीत के दरमियान कोई कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं हम लोग एडिट भी कर लेंगे। नहीं, पूरा ही रखिए, पूरा ही रखिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि सिंधी समाज के लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है, कहीं कुछ गलती हो जाए तो बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा। बच्चा नहीं, अरे बाबा, बच्चा नहीं, सिंधी आदमी चला गया बाबा रामदेव के पास। अच्छा, अरे बाबा, हमारे छोकरे को कौन सा आसन सिखाया? सिंधी का बच्चा हिंदी भूल गया। कैसे? अपने बाप से तमिल में बात करता है, तमिल भाषा में बात करता है। यार हमारे बच्चे को कौन सा आसन सिखाया? हमने उसे कमलासन सिखाया। कमलासन सिखाया, वो सिंधी बात करेगा, साउथ की बात करेगा। अच्छा, साउथ इंडियन की भी आवाज बड़ी शानदार निकलती है, कमलासन से ज्यादा है। कोई अगर साउथ इंडियन आदमी समाज मेरा जीवन साथी प्यार की अच्छा जवानी दीवानी सिंधी आनी जानी। मैं बहुत प्यार करता हूँ सिंधी समाज से, आई लव सिंधी समाज। कोई सिंधी दोस्त है आपका, मतलब मेरे को छोड़ के? सिंधी बहुत सारे सिंधी दोस्त है, चेटीचंड महोत्सव होता है तो मुझे वहां पर बुलाता है, मुझे बड़ा सौभाग्य फील होता है। मैंने इसलिए पूछा कि सिंधी खाने में आपको क्या पसंद है, कोई सिंधी डिश आपको खाने में? रोटी, कढ़ी चावल। कढ़ी चावल, मुझे कढ़ी चावल बहुत बढ़िया, मैं बहुत चावल का तो मैं वैसे ही शौकीन हूं। सुनील पाल को पसंद है कढ़ी चावल, तो जब भी कोई सिंधी परिवार ये वीडियो, क्योंकि अब संपूर्ण देश और विदेश में जो हमारे सिंधी लोग देखेंगे, सुनील पाल जब भी किसी घर में किसी के यहाँ शो करते हुए दिख जाए तो जरूर उनसे पूछे नहीं क्या खाएंगे, वो खाएंगे तो वेज में कढ़ी चावल और नॉन वेज में अंडा कढ़ी चावल। नए प्रोजेक्ट में अभी यूट्यूब पर आ गई हमारी पिछली फिल्म जिसको हमने रिलीज की थी, विग बॉस। विग बॉस, विग बॉस, ये फिल्म कॉमेडी फिल्म है और उसी तर्ज पे दो फिल्में और आ चुकी है, उजड़ा चमन और बाला। पहले अपनी आई, पहले अपनी आई। इस पर लड़ाई नहीं हुई तो मैंने लड़ाई नहीं की, अगर वो लोग हमारी बाद में आते तो वो हमसे लड़ाई कर देते। तो उस फिल्म को आप जरूर यूट्यूब पर देखिए, और साथ में यूट्यूब पर मेरा नया चैनल भी है, सुनील पाल की चौपाल। सुनील पाल की चौपाल, पूरा सिंधी समाज और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें और सुनील पाल की चौपाल में शामिल हो जाए और खूब सारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, इतनी सारी बातें हो जाए। सुनील पाल क्योंकि कॉमेडी का ऐसा नाम है जो किंग ऑफ कॉमेडी, और नए दौर और पुराने दौर को मिक्स करके कोई कॉमेडियन हमारे पास आज जिंदा है जो आज भी उतना ही क्रेज में, आज भी उतनी डिमांड है, तो वही की नाम है सुनील पाल। और आप चाहते हैं कि हमेशा जिंदा रहूं तो सब्सक्राइब कीजिए सुनील पाल की चौपाल। आने वाली फिल्में हैं राजपाल यादव साहब के साथ में हम पैरल कर रहे हैं। अच्छा। सुपर जासूस फैमिली 420 आ रही है, फिर निर्धार आ रही है, तो कुछ फिल्में आ रही है और कुछ शूटिंग चल रही है, तो ये सब चीज में मैं लगा हूँ और बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जिस पर सिंधी का आशीर्वाद हो जाता है तो समझ लीजिए कि उसकी लाइफ जो है वो सबका सपना है कि हम बॉम्बे आ जाएं, हम स्ट्रगल करें, हम लोगों से मिलें, हम ग्लैमर की दुनिया में चले जाएं। वैसे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है? मैं तो कहता हूँ कि आज के जमाने में बॉम्बे आने की जरूरत ही नहीं है, आजकल सोशल मीडिया इतना सशक्त हो गया है। अब जैसे आप देख रहे हैं आपके चैनल है और भी चीजें,
इतना सशक्त हो गया है, इतनी सारी नई नई चीजें आ गई, टिकटॉक आ गया। अब टिकटॉक में वो लोग आ गए हैं जिनको पूरी दुनिया से भगाया गया था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। टिकटॉक पे खुद नाच रहे हैं, खुद ही डांस कर रहे हैं, खुद ही कपड़े बदल रहे हैं। आप हो गए टिकटॉक पे? मैं भी आवाज आ गया हूँ। समझ लीजिए कि टिकटॉक जो है, ये टिकटॉक पर मैं जरा मुझे उसमें भी देखे कीजिए। तो मैं कहता हूँ कि अब जरूरी नहीं है आपको कहीं जाने की, आप अपने घर पे ही स्वयं घोषित कलाकार बन जाते हो। मुझे तो लगता है कि आगे चल के क्रिकेट का वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा और पबजी का वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। इतने पबजी दिल से खेला, क्रिकेट भी इतना दिल से नहीं खेला जाता जितना पबजी दिल से खेला जाता है। मतलब आदमी रोटी के साथ सब्जी ना ले, लेकिन रोटी के साथ पबजी जरूर होती है। रोटी खा रहा है, पबजी खा रहे हैं, देख रहे हैं। ये मुझे लगता है कि तो सोशल मीडिया इतना सशक्त हो गया कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं जाने की जरूरत नहीं अगर आपके अंदर कोई काबिलियत है। और वो सफर जो रहा सर, जीरो का सफर, आप थोड़ा अगर शेयर करने चाहें तो लोगों को पता चलेगा कि कितनी जर्नी जो है वो कितनी टफ होती है वहां तक पहुंचने की। देखिए वो टाइम अलग था, हालांकि मैं बता देता हूँ, जब मैं 1995 में बॉम्बे आया तो मेरी कोई पहचान तो थी नहीं। लाफ्टर चैलेंज शो लेकर आ रहा है तो उसमें ऑडिशन दे दे, मैं गया ऑडिशन देने के लिए। और वहां से आपको सबको पता ही है शो, फिर आप लाफ्टर किंग हो गए हैं। वो आपके लाफ्टर किंग तो नहीं कह सकते, लेकिन चलिए उस प्लेटफॉर्म पर लोगों ने मुझे पसंद किया और भी मेरे भाई, मतलब मुझे यह समझे कि जो कुछ भी मिला, चाहे सक्सेस के रूप में बोलो, चाहे दोस्ती के रूप में, एक इंसान के ग्रो करने के रूप में, मुझे जो कुछ भी अच्छा मिला, जो मेरे लिए जीवन भर का राशन साबित हुआ, वही लाफ्टर चैनल। तो मैं पंकज सरस्वती का धन्यवाद करता हूँ, जिमी मोजेस साहब का धन्यवाद करता हूँ, कॉमेडियंस का धन्यवाद करता हूँ, और सबसे ऊपर हमारे जॉनी साहब का धन्यवाद। हाँ, एक संदेश सिंधी समाज के लिए, क्योंकि कई समाज को आप देखते हैं, आप करीब से देखते हैं, एक संदेश को हमारे समाज के लिए। मैं तो कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि सिंधी समाज तो वैसे ही एक प्रेरणादायी समाज है। चिट्ठीचंद में भी, मैं मध्य प्रदेश में और भी जगह पर जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि पूरे परिवार के साथ कार्यक्रम देखने आते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जिसका परिवार है उससे अमीर दुनिया में कोई समाज नहीं है। तो परिवार का ख्याल रखने वाला सिंधी समाज, समाज का ख्याल रखने वाला सिंधी समाज, समझ में आने वाला सिंधी समाज, ये समझ से बाहर नहीं है, समाज के अंदर है, समझ के अंदर है। तो ऐसे सिंधी समाज को जो एकता की मिसाल है, मिलकर रहते हैं, तो मैं नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये समाज जिए हजारों साल, यही तहदिल से दुआ दे रहा सुनील पाल। आप लोग सिंधी वेब सीरीज बना रहे हैं? अच्छा, और मैं चाहूंगा एक उसमें एंट्री आपकी भी होगी तो बड़ा मजा आएगा, उस पर चर्चा करेंगे। अगर सिंधी वेब सीरीज में मुझे काम मिलेगा तो मैं टी सीरीज और क्रिकेट सीरीज छोड़ जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील पाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पूरा समाज और पूरा विश्व और पूरा हिंदुस्तान आपको यूं ही प्यार करता रहे, ये उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही ऐसे वीडियोस देखते रहिए, हमको सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। सुनील पाल जी का जो चैनल है सुनील पाल की चौपाल, इसको भी सब्सक्राइब करते रहिए, और इनके फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, और जहां भी ये रहते हो इनके घर में भी चले जाइए और वहां जाकर भी मस्ती करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो के देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वधिक माण्हू तक पहुंचाओ। अॼु जे लाइ एतिरो ई टाइम ॾिनो, वरी के नई शख्सियत सां गॾु नयूं ॻाल्हियूं, नया सवाल ऐं सिंधीअ जूं ॻाल्हियूं, सिंधी समाज खे कीअं असां अॻियां खणी वञी सघूं था, अहिड़ी मस्ती जूं ॻाल्हियूं ऐं अहिड़े फ़ख्र जूं ॻाल्हियूं वरी कंदासीं। तेसि ताईं जय झूलेलाल। I'm a Sindhi, 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 I'm a Sindh